नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर, जखौ और कच्छ में द्वारका के गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिससे सौराष्ट्र कच्छ में भारी बारिश हो रही है और तेज हवा भी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार बिपरजॉय की ओर पास होने पर गुजरात के तटीय क्षेत्र में और ज्यादा बारिश होगी। गुजरात के तट पर लैंडफॉल बनाने वाला ताकतवर तूफान बिपरजॉय कब कमजोर होगा, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। दक्षिण अरब सागर से उत्तर और उत्तर पूर्व में बढ़ रहा ताकतवर तूफान की कच्छ से जखाओ में टक्कर होगी। बिपरजॉय कच्छ के अबड़ासा गांव में आने वाले जखाओ में टकराएगा। इसके बाद यह आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन यहां पर टक्कर के बाद यह कुछ किलोमीटर पर बाद डीप डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। नॉर्थ अरेबियन सी नी अंदर नॉर्थ एटले के उत्तर दिशा में आगे बढ़ रही है। 15 तारीखे एटले के 14 अने 15 तारीखे ए राइट साइड नी अंदर फंटाईने जखौ अने करांची वच्चे ए कोस्टल लाइन ने हिट करे एवी संभावनाओ अत्यारे दर्शावाई रही छे। सबसे पहले बात करते हैं डीप डिप्रेशन की। तो आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक बिपरजॉय तूफान की स्थिति गुरुवार की मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगी। हालांकि इस दौरान 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी है। तूफान फिर 16 तारीख की मध्य रात्रि 12 बजे चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और 16 तारीख की दोपहर को एक गहरे दबाव में बदल जाएगा, यानी तूफान आंशिक रूप से कमजोर होगा। अनुमान के अनुसार यह बिपरजॉय 16 तारीख को एक डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा और अगले सप्ताह सोमवार मंगलवार को प्रयागराज में कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। अभी गुजरात के तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा बिपरजॉय काफी ताकतवर है, इसके चलते इसकी काफी चर्चा हो रही है। बिपरजॉय शब्द अर्थ है आपदा। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। तटीय इलाकों पर एक बार फिर से समुद्री चक्रवात कहर बनकर टूट रहा है। चक्रवात अभी काफी दूर है, लेकिन कच्छ, मोरबी, देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिलों में डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय की तुलना 25 साल पहले आए तूफान से की जा रही है। कच्छ को आज भी याद है 1998 का वो तूफान। आइए जानते हैं बिपरजॉय से क्या है समानता। समुद्र चक्रवात बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, गुजरात तटीय इलाकों में हर कोई यही दुआ कर रहा है कि चक्रवात कमजोर पड़े और कम से कम नुकसान हो। ऐसे में कच्छ में लोगों ने 1998 में आए चक्रवात की यादें ताजा हो रही है, जब जून महीने में ही आए समुद्री तूफान में भयंकर तबाही मचाई थी। बिपरजॉय के भी गुजरात के तट पर लैंडफॉल करने की संभावना है। तब वहां समुद्री चक्रवात सिंध गुजरात बॉर्डर पर 8 जून को टकराया था। यह विनाशकारी चक्रवात 4 जून 1998 को बना था और 8 जून को इसका लैंडफॉल हुआ था। इस चक्रवात में 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। इस चक्रवात से पूरे देश में 10,000 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात में 1,173 लोगों की मौत हुई थी। 1,500 से अधिक लोग लापता हुए थे। इस तूफान की तबाही का मंजर ऐसा था कि कच्छ के लोग आज भी इस तूफान की याद करके कांप उठते हैं। 25 साल के अंतराल के बाद फिर से बिपरजॉय की बड़ी तबाही होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने तूफान की दिशा बदलने और खतरनाक होते ही इसके संभावित नुकसान को घटाने में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मानहानि केस में फंसते हुए दिख रहे हैं। अहमदाबाद की कोर्ट ने 26 अप्रैल को दर्ज हुए केस में सबूतों की जांच चल रही है। तेजस्वी यादव मानहानि केस में क्या है अपडेट, अब कौन सी तारीख को होगी सुनवाई, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मानहानि के केस में फंसते हुए दिख रहे हैं। अहमदाबाद की कोर्ट में मानहानि के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में एक और गवाह के बयान दर्ज किए गए, जिसमें गवाह ने कहा कि उन्हें तेजस्वी यादव के बयान से ठेस पहुंची। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने मार्च महीने में विधानसभा परिसर में गुजरात के लोगों को लेकर जो बयान दिया, उससे राज्य के लोगों की मानहानि हुई, वैश्विक स्तर पर उनकी छवि खराब हुई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 23 जून की अगली तारीख तय की है। तेजस्वी यादव ने मार्च महीने की आखिर में विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए गुजरात के लोगों के बारे में कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं, उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। यादव के इसी बयान को लेकर अहमदाबाद के व्यापारी हरेश मेहता ने कोर्ट में 26 अप्रैल को मानहानि का केस किया था। यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। गुजरात के व्यापारी के द्वारा कोर्ट में मानहानि का केस किए जाने पर तेजस्वी का यह बयान फिर से चर्चा में आ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी।
भारत सरकार ने सरकारी कोविड वैक्सीनेशन ऐप कोविन से वैक्सीन लगवाने वालों का डेटा लीक होने की खबरों को बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया है। क्या माना है सरकार का, देखते रिपोर्ट में। कोविड वैक्सीनेशन को रजिस्टर करने वाले कोविन ऐप से वैक्सीन लगवाने लोगों को निजी डेटा पब्लिक होने की खबरों का केंद्र सरकार ने खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह सरकारी कोविड टीकाकरण ऐप की क्रेडिबिलिटी को कम किए जाने की साजिश से अधिक कुछ भी नहीं है। सरकार ने कोविन पोर्टल को पूरी तरह से सुरक्षित बताते हुए देश की जनता को आश्वस्त किया है कि इस ऐप पर रजिस्टर लोगों का डेटा पब्लिक हो जाने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद है और देश के संसाधनों की महत्वता को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर की गई है। कोविन ऐप को लेकर सरकारी जांच एजेंसियों ने अपनी बात कही है। भारत सरकार ने कहा है कि कोविन ऐप पर डेटा ब्रिज की खबरें पूरी तरह से भ्रामक है और देश की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी सट इन ने लीक डेटा के मामले की जांच की है और उन्होंने इस मामले को नेगेटिव पाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, सोशल मीडिया पर कोविन डेटा में लीक की खबरों को लेकर मैं यह बताना चाहता हूं कि इस मामले में भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल ने तुरंत कदम उठाया और मामले की जांच की। उसके बाद उन्होंने हमें निश्चित रहने को कहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।